अब बस और नहीं, और लाशें यहाँ नहीं दफनाई जा सकती। ये कब्रिस्तान पूरी तरह से भर चुका है। तुर्की के गजियान टॉप इलाके में स्थित नूरदगी कब्रिस्तान के लोग इस बात से परेशान हैं कि वहाँ अब जगह बची नहीं है और लाशों के आने का सिलसिला थम नहीं रहा है। तुर्की में आए भूकंप में मारे जाने वालों की तादाद 21,000 पार कर चुकी है। इस इलाके में भी सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। नूरदगी कब्रिस्तान के बाहर सड़क पर लाशों का अंबार लगा है। एक के ऊपर एक सहेज कर रखी गई लाशों के आसपास परिजन परेशान हैं, इंतजार कर रहे हैं कि उनकी बारी कब आएगी। लोग घंटों इंतजार में हैं। 5 इमामों को विशेष तौर पर बुलाया गया है ताकि इस्लामिक तरीके से न्यूनतम सम्मान के साथ ही सही मारे गए लोगों को किसी तरह सुपुर्द-ए-खाक किया जा सके, लेकिन जगह नहीं है। अब सामूहिक कब्र खोदे जा रही हैं। एक एक कब्र में 10-10 लाशों को दफनाया जा रहा है, लेकिन लाशें आ ही जा रही हैं। आसपास के इलाकों से ही नहीं, दूर स्थित इस्तांबुल से तक लाशें लेकर यहां लाई जा रही हैं, क्योंकि वहां के कब्रिस्तान भी भर चुके हैं। नूरदगी के इमाम सादिक गुनेस ने पत्रकारों से कहा, सोमवार से इतनी लाशें दफनाई जा चुकी हैं कि मैं उनका हिसाब भूल चुका हूँ। हमने कब्रिस्तान को थोड़ा आगे बढ़ा दिया, पर इससे काम नहीं चल रहा है। अब बढ़ी हुई जगह भी इस्तेमाल हो चुकी है। शहर के लोग हमारी मदद के लिए आ रहे हैं। हम दिन रात लोगों को दफना रहे हैं, लेकिन अभी तो मलबे में और लोग दबे हुए हैं। कारा मनमाराज शहर का हाल और बुरा है। वहां मलबे से लाशों के शरीर के टुकड़े निकल रहे हैं। अब इन्हें कैसे दफनाया जाए? एक कार्यकर्ता ने कहा कि उन्हें सिर्फ एक महिला का हाथ मिला, उसके नेल पॉलिश के आधार पर उसे पहचानने की कोशिश की जा रही है, पर इस अकेले हाथ का क्या करें? एक बाशिंदे सादिक वकार ने कहा, ये मेरा मकान था। पिछले हफ्ते ही मेरे माता पिता दूसरी मंजिल पर शिफ्ट हो गए। मैं खुद अपने हाथ से किसी तरह उनकी लाशें निकालता रहा। थोड़ी देर बाद मैंने इन्हीं हाथों से उन्हीं लोगों को दफना दिया, हमेशा हमेशा के लिए। तुर्की से सटे उत्तर पूर्वी सीरिया के आफरीन में जो कब्रिस्तान था, अधिकारियों ने उसमें थोड़ा और हिस्सा जोड़कर उसे आगे बढ़ा दिया। वह जगह भी भर गई, अब क्या किया जाए? तुर्की के उस्मानिया से पहले से मौजूद कब्रिस्तान को भी बढ़ाया गया, वह भी भर चुका है। उसके बाहर भी सड़क के किनारे एक के ऊपर एक सहेज कर लाशें रखी गई हैं। लेकिन अब इन लाशों का क्या किया जाए? उत्तर पश्चिम सीरिया के शहर जिंदेरेस का क्या कहा जाए? ये वह जगह है जहां सीरिया गृह युद्ध में अनाथ बेसहारा हुए लोगों ने शरण ली थी। अपनी ही सरकार के रासायनिक हथियारों की मार से किसी तरह जान बचाकर यहां पहुंच सके थे। कैंपों में जिल्लत भरी जिंदगी ही सही किसी तरह जी रहे थे। भूकंप आया, बहुत बड़ी तादाद में लोग मारे गए। इन्हें दफनाने के लिए ना लोग हैं, ना कोई इंतजाम, ना ही कब्रिस्तान में जगह।